नमस्ते जय माँ कामाख्या। रक्त वस्त्र, अंग वस्त्र या फिर माँ कामाख्या का महाप्रसाद आखिर क्या है, चलिए इस वीडियो में आपको बताती हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माँ कामाख्या का जो रक्त वस्त्र है वो साक्षात माँ कामाख्या ही है, माँ ही है, देवी ही है। इसलिए बहुत सारे लोग रक्त वस्त्र को अपनी मंदिर में पूजा घर में रख के माँ कामाख्या की तरह पूजा आराधना करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि रक्त वस्त्र अर्थात अंग वस्त्र या फिर माँ कामाख्या का महाप्रसाद आखिर होता क्या है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माँ कामाख्या असम गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ में योनि स्वरूप रूप में है और माँ कामरूपिणी माँ कामाख्या जो आदि पराशक्ति है वे खुद युगो युगों से नीलाचल पहाड़ में परम ब्रह्म योनि स्वरूप में विराजमान होती आ रही है जो हमेशा के लिए रहेगी। और कहा जाता है कि कामरूप के हर घरों में माँ कामरूपिणी निवास करती है। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि माँ कामाख्या परम ब्रह्म योनि स्वरूप कामाख्या शक्तिपीठ में या फिर कह लो नीलाचल पहाड़ में या कामरूप में विराज करती आ रही है। तो माना जाता है कि माँ कामाख्या हर साल अषाढ़ मास यानी जून महीने में रजस्वला धरण से गुजरती है, जिस समय मंदिर का मुख्य द्वार 3 से 4 दिनों के लिए बंद किया जाता है और उन दिनों माँ के दर्शन के लिए अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं मिलती। यानी उन दिनों यानी माँ जब रजस्वला धर्म से गुजरती है तब माँ को संपूर्ण अकेले में रखा जाता है और माँ के रजस्वला धर्म को ही कहा जाता है अंबुबाची महायोग। और अंबुबाची महायोग शुरू होने से पहले पहले यानी जब कामाख्या शक्तिपीठ का गर्भगृह का मुख्य द्वार बंद किया जाएगा उससे पहले पहले माँ को अंग वस्त्र चढ़ाया जाता है, जहाँ पे माना जाता है कि माता 3 से 4 दिनों के लिए उसी वस्त्र में विराजमान रहती है और वो वस्त्र माँ के रक्त से सना रहता है और उसी वस्त्र को कहा जाता है रक्त वस्त्र, अंग वस्त्र या फिर माँ कामाख्या का महाप्रसाद या फिर लाल कपड़ा। लेकिन जनविश्वास अनुसार प्राचीन समय में जब भी अंबुबाची महायोग शुरू होने वाला होता था तब माँ को यानी माँ कामाख्या को एक सफेद कपड़ा दिया जाता था, जहाँ पे माँ 3 से 4 दिनों के लिए विराजमान होती थी और वो सफेद कपड़ा अंबुबाची निवृत्ति के बाद माँ के रक्त से लाल कपड़े में बदल जाता था। यानी वो सफेद कपड़ा माँ की योनि से बह रही रक्त से लाल रंग में बदल जाता था और उसी को भक्तों के बीच में बांट दिया जाता था अंग वस्त्र या फिर महाप्रसाद के रूप में। लेकिन आज भी अंबुबाची शुरू होने से पहले पहले माँ को कपड़ा दिया जाता है और अंबुबाची निवृत्ति के बाद माना जाता है कि वो कपड़ा माँ के रक्त से सना हुआ है और उसी को अंबुबाची निवृत्ति के बाद आज भी भक्तों के बीच में महाप्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। कहा जाता है कि रक्त वस्त्र खुद अपने आप में ही सिद्ध है, क्योंकि रक्त वस्त्र जो है वो माँ का ही एक अंग है और जिस भी घर में रक्त वस्त्र रहता है उस घर में कभी भी नेगेटिविटी घुस नहीं पाता है, साथ ही उस घर में बरकत होता रहता है। और अंबुबाची से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, नीति नियम इत्यादि हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।